अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये खाना खा रहे हैं और इनके खाना खाते देखें आप। स्क्रैचिंग इनकी एक नेचुरल हैबिट है। कोई भी ब्रीड की आप मुर्गी ले लें, मुर्गा ले लें, चूज़े ले लें, आप यही देखेंगे कि स्क्रैचिंग करके वो खाएंगे, इसलिए ये बिट्टियाँ भी स्क्रैचिंग करते हैं। तो ये इन दोनों को अलग करने का मकसद ये था। जो लंबी दुम वाला आप देख रहे हैं इसकी, ये भी मेल है, इसको मैं फ़ीमेल समझता रहा 5 महीने तक, और ये वाली भी फ़ीमेल लगती है लेकिन ये है मेल, खजूरी रंग। तो अलग करने का इनका मकसद ये था कि इनकी ग्रोथ ज़रा सही नहीं, और इसी बाकी 3 मुर्गों में उन्होंने इनको अलग कर दिया। चलो अब नीचे से खाओ पहले। नहीं ऊपर नहीं आना रिवर दिए, 4 रुपए के ऊपर मैंने छुपा के रखी है कटोरी, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, नहीं आना ऊपर, नहीं आने दूंगा। इस साइड से आ गया, पिकाचू को खाने दो, नहीं रहा, नहीं आना इधर। चलो चलो शाबाश, नीचे से खाओ, नीचे गिराया ना सारा, नीचे से खाओ। चलो पहले लगा के फिर माशाल्लाह खा भी गया, ये देखिए ना रिवर्स ये मस्ती कर रहा है माशाल्लाह। ये बड़े वाले मेरे जो पास जो मुर्गा था ब्रीडर, तो ये उसका बच्चा है।
ये माशाल्लाह सबसे आउट क्लास। ये लो खाओ ये। पिकाचू तुमने भी स्क्रैचिंग शुरू कर दी ना, गंदे बच्चे, सारा तूने खिला दिया इधर। चलो व्यूअर दिन का तो काम ही यही है। ये शाम का वक्त है, इनको ORS भी देना होगा। ORS के अलावा इनको लहसुन भी यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो बीठे कर रहे हैं ना पानी वाली। तो वीडियो लंबी हो रही है, बेमकसद सी समझ लें आप, लेकिन बेमकसद सी नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह इनकी नेचुरल हैबिट है खाना, ऐसे करके खाते रहेंगे। अब इनको भूख नहीं लगी हुई, आप देख सकते हैं इनके पोटेज है ना फुल है, इनका जो पेट है वो फुल है, इसलिए नहीं खा रही है। थोड़ी देर बाद इनके सुबह ही उठ के अब ये खाएंगे, अब तो रात हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें काफ़ी मल्टी वीडियोज़ को, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।